रोबोटिक मशीन जो है अभी अंडर स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये पूरे इंडिया में खरीदी जाएगी। अभी हरियाणा में ये जो अपने अम्बाला में अभी एक ही मशीन खरीदी गई है, जो कि जन रोबोटिक एक एजेंसी है, फर्म है, उसके द्वारा ली गई है। इसकी लगभग कॉस्ट 40 लाख के अराउंड है। ये क्या करती है, जो पहले आदमियों का सीवर मैन जो हादसे होते थे उसको बचाने के लिए, मैन पावर जो थी अपनी उसको रोकने के लिए बनाई गई है। इसमें कई कैमराज लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं जो गैस को डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जान माल की हानि होती थी। अब ये मशीन अंदर जाके मैन होल के अंदर से सारा उसको क्लीन करके और मैं ऑपरेट इजी टू ऑपरेट है ये बिल्कुल ही, और उसको कलेक्ट करके और फिर डिस्पोज ऑफ करेगी, जिससे कि अपने जो सीवर मैन थे उनको जान माल की गैस लग जाती थी उनको, उनसे बचाएगी। ये आज फर्स्ट डे ही था, फर्स्ट ट्रायल है ये अपना, आज पहला ही दिन था। तो आपका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि आपने कवर किया इसको। तो ये अभी ट्रायल पे ही है। बेनिफिट्स इसका ये है, मोस्टली बरसात के पानी में जैसे ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है, पानी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, तो जो गलियों का स्ट्रीट का पानी है वो इकट्ठा होता है। अगर ब्लॉकेज उसको रिमूव पहले कर देंगे तो पानी की स्थिति है जो वहाँ ऊपर नहीं खड़े होने की, ओवरफ्लो होने की स्थिति है जो वो शहर में नहीं होने की, उसके बड़ा बेनिफिट मिलेगा उसको। और यहाँ पे अम्बाला ने एक अम्बाला सिटी के लिए और एक अम्बाला कैंट के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने दो मशीनें प्रक्योर की हैं, एक अम्बाला सिटी के लिए और एक अम्बाला कैंट के लिए। हाँ जी, और ये जो मशीन है बेसिकली आप जो देख रहे हैं ये रोबोटिक मशीन है, बेंडिकूट बेंडिकूट द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट, जो कि फ्रॉम मेड बाय जेन रोबोटिक्स, केरला की कंपनी है, जेन रोबोटिक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये जो मशीन है जो फुली रोबोटिक मशीन है, सेंसर बेस्ड जो मशीन है, इसमें क्या है कि एक जो स्टैंड यूनिट है जो आप देख रहे हैं, एक बाहर जो कैमरा की एक दो स्क्रीन लगी हुई है और जो गैस सेंसर है लगे हुए, वो उस पर गैसेस वगैरह डिस्प्ले रहती है, और जो बीच का जो रोबोटिक यूनिट है ये अंदर जाता है और जो कॉर्नर्स वगैरह है वो क्लीन इससे हो जाती है, क्योंकि एक इसके साथ क्या है कि एक रोबोटिक आर्म है तो वो एक्सटेंडेबल है, जो साइड में से कॉर्नर्स वगैरह क्लीन कर देती है। जनरेटर इसके साथ छोटा होंडा का जनरेटर है, तो घंटे का मान के जो हाफ लीटर इतना पेट्रोल इसमें चलता है जी। मेंटेनेंस इसकी कंपनी की तरफ से, अभी जो O&M है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो कंपनी की तरफ से है। ऑलरेडी यहाँ पे साइट इंजीनियर और सर्विस इंजीनियर जो यहाँ पे रहते हैं, जैसे मशीन चल रही है यहाँ पे परमानेंट रहते हैं, वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम आती नहीं है, छोटी मोटी मेंटेनेंस है वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, इजिली हो जाती है। हाँ, आज अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी जो सीवरमैन है, जो डिपार्टमेंट के जो सीवरमैन हैं, सीवरमैन जो उनको रिहेबिलिटेशन के लिए, जो कि सीवरमैन से एक रोबोटिक ऑपरेटर बन जाए, उनको अभी एक ट्रेनिंग अभी स्टार्ट की है ताकि वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के लिए सीख सके, आके अपना आराम से काम कर सके, नीट एंड क्लीन, एंड दे कैन गो टू होम। हाँ जी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।